मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा वॉइस सचिन तेंदुलकर के जैसा रहेगा। तो बचपन में हम लोग चल के आते थे इस जगह पे। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों को मैंने बहुत सारे जगह दिखाया है, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने आप लोगों को कभी अपना सिटी नहीं दिखाया। मेरा सिटी जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे सिटी के कुछ फेवरेट प्लेसेस जहाँ पे मैं ऑलवेज जाना पसंद करता हूँ, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स। Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Come on. हम लोग अभी निकल चुके हैं एंड जैसे आप देख रहे हो कि ठंडी के टाइम पे भी मुंबई के अंदर बारिश हो रहा है, एंड ऐसे टाइम पे थोड़ा राइड करना रिस्की है, बट कोई बात नहीं क्योंकि हमको जो करना है वो तो करना है। वैसे पहली जगह पे हम लोग जा रहे हैं, एनी गेस कहाँ पे जा रहे हैं? वैसे जिसने भी गेस किया था वो एग्जैक्टली राइट है। हम लोग सबसे पहले अपना व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं थाने स्टेशन से, क्योंकि थाने में सबसे इम्पोर्टेंट कोई प्लेस है तो वो है थाने स्टेशन, जो हर एक थानेकर को कनेक्ट करता है। चाहे उनको मुंबई जाना हो, चाहे उनको कहीं पर भी जाना हो, तो थाने स्टेशन एक ऐसा प्लेस है जो जहाँ पे हर एक थानेकर को महीने में या हफ्ते में एक बार तो आना ही पड़ता है। एंड ऑलवेज जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज कि कौन सा रोड जाने के लिए सही है और कौन सा रोड जाने के लिए सही नहीं है, क्योंकि हर टाइम पे यहाँ पे रोड के रूल्स चेंज हो जाते हैं। एक अच्छा न्यूज़ ये है कि थाने में अभी तीनों तरीके की बस सेवाएं मौजूद है, TMT, ST एंड BST। थाने की स्पेशल बस सर्विस है TMT, एंड यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। आई डोंट नो कि यहाँ से जाना अभी अलाउड है कि नहीं, कोई अदर व्हीकल तो नहीं जा रहे, सिर्फ ऑटो वाले जा रहे हैं। तो ये है थाने स्टेशन, एंड थाने स्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट है, थाने मार्केट ऑफ कोर्स, जो कि सेकंड है लिस्ट में। यहाँ पे आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो भाई ये है थाने स्टेशन, ये है ST का बस डिपो, एंड यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो ये है थाने का मार्केट। वैसे ये अभी थोड़ा बहुत रोड वाइडनिंग किया है, एंड जो खाली दिख रहा है वो भी जस्ट कोविड के वजह से, नहीं तो यहाँ पे मतलब रश एनी टाइम ऑफ एनी आवर ऑफ द डे आप यहाँ पे आओगे रश होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब ऑलमोस्ट आपको जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो सस्ते दाम पर, एंड फेस्टिव सीज़न में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ये है थाने का मार्केट। थाने स्टेशन से बस निकलोगे वैसे ही आपको ये मार्केट मिल जाएगा। अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आएगा झमड़ी नाका, एंड अभी आगे का रास्ता क्लोज है। मैं दिवाली के टाइम पे आया था, तो अभी हम लोग यहाँ से टर्न ले रहे हैं, एंड मामलेदार मिसल का पार्सल कॉर्नर। सो मैंने मामलेदार मिसल का भी व्लॉग किया था, अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो लिंक आपको मिल जाएगा। एंड अभी ये जो एरिया है वो हम सबका सबसे फेवरेट एरिया है, इसको बोलते हैं तालाब पाली, बराबर। एंड स्कूल की, कॉलेज की बहुत सारी यादें इस जगह से कनेक्टेड है।
स्पेशली जब आपका कॉलेज यहाँ पे पास में ही हो तो। एंड ऑफ कोर्स इवनिंग टाइम पे बोट राइडिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग मैंने स्पेशली यहाँ पे की है। सो ये एरिया आपको दिख रहा है वह तालाब पाली वाला एरिया, बीच में मंदिर है एंड यहाँ पे बोटिंग के लिए टिकट और कूपन मिल जाएगा आपको। साइड में वाह यार ये चीज़ भी चेंज हो गया, ये जगह भी चेंज हो गया, बहुत टाइम बाद आया मैं तालाब पाली। मैं आगे अपना बाइक रुका के आपको दिखा देता हूँ व्यू। यहाँ पे पार्किंग का बहुत इश्यूज़ होता है यार, कभी भी आप आओगे ना तो ऑलवेज़ पार्किंग का इश्यू होता है, तो पार्किंग आपको सही से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बाइक टो हो सकता है, कार टो हो सकता है। बैठने के लिए अभी अच्छा खासा जगह बना दिया है इन लोगों ने यार। थाने ऑलवेज़ लाइक डेवलप होते रहता है, डेवलपिंग सिटी। एंड अभी पता नहीं यार यहाँ पर पार्किंग कहाँ पर है, कोई बात नहीं है। पार्किंग तो अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो तो तालाब ये है, तालाब पाली का तालाब है, वहाँ पे बीच में टेंपल है एंड तालाब ऑलमोस्ट फुल है। बारिश में भर के पूरा ऊपर से निकल जाता है पानी, स्पेशली वो अपोजिट साइड में। एंड रात को यहाँ पे आओगे, शाम को यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारा चीज़ अच्छा से देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है शाम को। अभी सुबह का टाइम है और संडे का टाइम है, इसीलिए ये आपको खाली मिल रहा है। यहाँ पे अगेन फुटपाथ का वर्क चालू है तो आपको यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन तालाब पाली अगेन इट्स द बेस्ट प्लेस। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए यहाँ पर आता हूँ एंड कभी थोड़ा सा चिल आउट करना है, और मेरा जो फ़ोटोग्राफी का करियर है वो भी ऑलमोस्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था। वैसे अगर ये व्लॉग को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं प्लान कर रहा हूँ फूड व्लॉग, थाने के फेमस फूड प्लेसेस जहाँ पे जाके आप डिलीशियस खाना खा सकते हो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे याद है कि थाने में कुछ टाइम पहले बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं थी, लेकिन आजकल थाने में हर एक चीज़ अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो थाने के अंदर मिल ही जाएगा, आपको थाने सिटी को छोड़ के कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। मेट्रो का काम चालू है एंड जिस प्लेस का मैं बात कर रहा था वो है फेमस प्लेसेस फॉर शॉपिंग एंड जस्ट हैंगिंग आउट। सो वो है थाने के मेरे फेवरेट दो मॉल्स, बाकी और भी बहुत सारे मॉल हैं जो अच्छे हैं, बट मेरे फेवरेट दो मॉल इसमें से पहला है जिसके पास हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड फिर दूसरे के पास भी हम लोग जाके आते हैं। तो पहला प्लेस है ये कोरम मॉल। तो कोरम मॉल जब फर्स्ट टाइम पे ओपन हुआ था तब से लेके अब तक मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ एंड इवन बहुत बार आता हूँ। ये है कैडबरी कंपनी। सो अगर आप लोगों को चॉकलेट्स, डेरी मिल्क, कैडबरी पसंद है तो आपके लिए बहुत ही फेमस प्लेस हो सकता है या फेवरेट प्लेस हो सकता है। सो जैसे आप लोग देख रहे हो लाइट्स हैंग हो रही है एंड विवियाना मॉल भी अगर आप रात के आसपास आओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल दिखेगा। एंड अभी मॉल चालू हो गया है तो एक अच्छा गुड न्यूज़ है, लोग आ रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे अभी भी इतना रश है एंड संडे का टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो ये है विवियाना मॉल का एंट्री। पार्किंग चाहिए तो पार्किंग आपको पीछे से मिलेगा, 2021 का ऑलरेडी डेकोरेशन हो चुका है एंड ये एशिया का मतलब बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन इंडिया। सो यहाँ पर
आप आकर शॉपिंग कर सकते हो। सो अगेन यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है मॉल, जो कि ऑल द वे वो जो लाइट दिख रही है वहाँ तक जाता है। एंड यहाँ पे घूमने के लिए अगर आप सोचोगे कि 1 आवर इनफ है, तो शायद से आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉल है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि थाने को सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लेक हैं छोटे छोटे, उसमें से कुछ फेमस है लाइक तालाब वाली जो आपने देखा, फिर इसके बाद है एक नेक्स्ट जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। सब बात करें सचिन तेंदुलकर के वॉइस का, तो मैंने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं किया था, इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी कभी नोटिस नहीं किया था, जब तक कि मैंने सबसे पहला व्लॉग अपलोड किया अपने दूसरे चैनल पे, एंड फिर वहाँ से मुझे सब लोगों ने बोलना चालू किया, अरे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर बाइक सिखा रहा है। रियली मीन्स वो टाइम पे मुझे भी नहीं पता था लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एंड फिर जब मैंने अपना खुद का वॉइस सुना और सचिन के वॉइस से कंपेयर किया, सो लाइक ट्रेजेडी एक तरीके से, लाइक इतना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा वॉइस सचिन तेंदुलकर के जैसा रहेगा। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं उपवन लेक के पास में है, एंड यहां से अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा येऊर हिल का रास्ता। येऊर हिल मेरा ऐसा नहीं है कि फेवरेट प्लेस नहीं है, ऑफकोर्स हर एक थानेकारों को पसंद है, बट मैं मोस्टली मॉनसून में जाना पसंद करता हूं, क्योंकि वहां पे मॉनसून में फ़ोटोग्राफी काफ़ी अच्छे से होता है। बट अगेन मामा भांजा हिल्स है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है अगर आपको जाना है तो, एंड वहाँ मेरे घर से वो बहुत ही नज़दीक है, तो वहाँ पे जाना बहुत इजी होता है कंपेयर टू लाइक यहाँ पर। एंड जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, हम लोग पहुँच चुके हैं उपवन लेक पे। तो बचपन में हम लोग चल के आते थे इस जगह पे, मुझे याद है। जैसे आप लोग देख रहे हो, मैं अभी यहाँ पे उपवन लेक पे आ चुका हूँ, एंड ये प्लेस ज़्यादा करके कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड कपल्स को अगर छोड़ा जाए तो ये एकदम काम प्लेस है। आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे चिल आउट कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है थाने में आप विजिट कर सकते हो, स्पेशली लाइक टिकुजिनी वाड़ी है, फिर सूरज वाटर पार्क है, एंड ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। स्पेशली ये बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हेलो गाइस, हेलो, एक एक करके अपना नाम बोलो। मैं आदित्य हूँ। हेलो आदित्य। मैं मयंक। हेलो मयंक। त्रिशा। हेलो त्रिशा। मेरा नाम मीर है। हाय मिहिर। तनिष्का। हेलो तनिष्का। तनिषा। हेलो तनिषा। सो आप लोग कहाँ से हो? थाने से ही है। कैसे आए हो आप लोग? अकेले? अकेले, वॉकिंग करने। वॉकिंग करने के लिए? जॉगिंग करने के लिए। दैट्स वेरी नाइस। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं संडे को मोस्टली, एंड आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट फूड व्लॉग के लिए प्लीज़ वेट फॉर इट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।